अपने ब्लॉग्स पढ़े होंगे देखे होंगे फॉलो भी करते होंगे एडमायर भी करते होंगे कुछ ब्लॉग्स लिखने वालों को और उनके लाइफ को और जो वो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं तो देखते हैं कि अगर आप अपना ब्लॉग ख़ुद सेटअप करना चाहें तो उसके लिए कौन सी आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें सोचने की ज़रूरत है लिखने के अलावा तो ये दूसरे उसके मकैनिक्स के बारे में हम अभी बात करने लगे अच्छा पहले तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि कौन सा प्लेटफॉर्म आपने चूज़ करना है क्योंकि वंस आप एक प्लेटफॉर्म चूज़ कर लें तो वहाँ पे आपका ट्रैफिक बन गया है फॉलोअर्स बन गए हैं तो उसको स्विच करना मुश्किल होता है तो ये इम्पॉर्टेंट है कि पहले ही आप पूछ के रिसर्च करके आ, उसके प्रोज एंड कॉन्स जज करके और फिर एक वो आ, जो है अपना प्लेटफॉर्म चूज़ करें वर्ल्ड प्रेस अपेरेंटली इज़ मोर पॉपुलर ज़्यादातर लोग वहाँ पर अपने ब्लॉग्स डाल रहे हैं और उसमें उनको ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है कम्पेयर टू अदर ऑप्शन फ़ॉर दिस और दूसरा ये है कि ये मेक शोर करें कि यू हैव क्लैरिटी ऑन द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ़ यूजिंग सेल्फ होस्टेड वर्सेस फ़्री होस्टेड ब्लॉग्स उसमें ये है कि जैसे आप वर्ड uh, प्रेस के ऊपर भी कर रहे हैं तो आप अपना ख़ुद होस्ट भी कर सकते हैं जिसमें कि आपको कुछ थोड़े से uh, इजाफ़ी uh, पैसे देने पड़ते हैं या आप फ्री भी कर सकते हैं तो अगर आप सेल्फ़ होस्टेड करते हैं तो उसका ये फ़ायदा है कि और जिन ब्लॉगर से हमने मशवरा किया उन्होंने भी ये कहा है कि उससे आप ज़्यादा प्रोफेशनल लगते हैं क्योंकि उसमें आपका नाम जो है आपकी मर्ज़ी का होता है ना कि वर्ड या कुछ और या जो भी आप साइट यूज़ कर रहे हैं उसका नाम आ रहा हो तो उसमें आपके पास फ्लेक्सीबिलिटी ज़्यादा होती है कई चीज़ों में तो दैट माइट बी अ बेटर आइडिया अगर आप इसको प्रोफेशनली करना चाह रहे हैं और इनकम जनरेट करने के लिए करना चाह रहे हैं और सो दैट्स समथिंग टू कीप इन माइंड और अगर आपने ये करना है तो उसके अलावा ये है कि ये एक एक्साइटमेंट में एकदम से आप शुरू कर लें और कोई टॉपिक सोच लें और उस पर दो ब्लॉग्स या तीन ब्लॉग्स बनाएं और फिर आप कहें कि ओ आई रन आउट ऑफ थिंग्स टू से तो ये भी आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि अच्छा ये मैंने हर हफ्ते या हर दो हफ़्ते बाद के मेरे अगले ये टॉपिक्स हैं कम से कम छः आठ हों और आपको एक वेग आइडिया हो कि आपने बाकी के अपने उसको कैसे करना है क्योंकि ये भी ज़रूरी है ब्लॉग के सक्सेसफुल होने के लिए कि उसमें रेगुलर आप पोस्ट्स डालते रहें ना कि कभी डाल दी जिस वक्त टाइम हुआ या मूड हुआ तो अनलेस आप बिल्कुल उसको अपनी पर्सनल सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए यूज़ करें अगर आप ऑडियंस बनाना चाह रहे हैं तो फिर उसमें रेगुलर पोस्ट होनी चाहिए वो आपको एक उसका टाइम टेबल कैजुल अलॉन्ग विद द टॉपिक्स उसमें पहले से होना चाहिए बजट अच्छा ये पैसे कमाने का तरीका ज़रूर हो सकता है लेकिन ये कि जैसे हम कोई बिजनेस कोई भी बिजनेस सेटअप करते हैं उसमें कई दफ़ा कोई इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है तो ये क्योंकि ऑनलाइन है और कोई आप फिज़िकली चीज़ सेटअप नहीं करें कोई ऑफिस सेटअप नहीं करे तो इसमें बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट है लेकिन ये कि बहरहाल इट्स इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड कि आप कि कहाँ और कैसे पैसे खर्च हो सकते हैं आप उसका हिसाब लेके चलें ताकि आपका जो लिखने का एफर्ट है वो ज़ाया ना हो क्योंकि आपने बाकी चीज़ों के बारे में पहले से ना सोचा और आप लिख तो बहुत अच्छा रही हो लेकिन ये कि उसको आप आ, बाकी जो उसकी जो एस्पेक्ट्स हैं वो मिसिंग हैं तो इसलिए वो उस तरह से सक्सेसफुल ना हो पा रहा हो या ऑडियंस जो उसमें इंटरेस्टेड हो सकती हैं उन तक ना पहुँच पा रहा हो सो लेट्स बजट्स किन चीज़ों के लिए आ, हो सकते हैं अच्छा आपने अगर सिंपल अपने शौक के लिए ब्लॉगिंग करनी है तो उसकी एक डिफरेंट आप अपना हिसाब रखेंगे और अगर आपने एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं या ब्लॉग प्रेन्योर बनना है तो फिर उसके लिए आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करेंगे क्योंकि आपको ये एक्सपेक्टेशन और एफ़र्ट है आपकी और कमिटमेंट है कि आपको उसमें रिटर्न भी मिलें और अगर आप उसको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं तो ऑब्वियसली यू विल बी गिविंग इट मोर टाइम आल्सो तो इट्स मोर लाइकली कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको रिटर्न uh, शो करें हार्डवेयर आपने क्या लेना है बेसिकली तो ये कि लैपटॉप या डेस्कटॉप या जो भी आपका गैजटी डिवाइस है वो कैसी है उसके अलावा आपने अगर वो करना है कोई व्लॉगिंग करनी है या कोई पिक्चर्स वगैरह करनी है तो आपका कैमरा कैसा है वेब कैसा है ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपने अपने उसके कीपिंग इन माइंड कि आप उसको कितना आगे लेके जाना चाहते हैं एज अ बिज़नेस उस हिसाब से आपने करनी है यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट टू मच आई इतना भी आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते कि वो गैर ज़रूरी हो या इतने फैंसी गैजेट्स ले लें कि जिनकी के आपके पास कोई यूटिलिटी ही नहीं है होस्टिंग आपने कैसी करनी है उसको ख़ुद करना है या फ्री में करना है जिसमें कि वो दूसरे उनका जो साइट है उसका टाइटल uh, रहता है अगर प्रोफेशनली करना है तो इट्स रेकमेंडेड कि आप सेल्फ़ होस्टिंग करें कस्टमाइज्ड ईमेल एड्रेस भी आपको फिर इसी तरह मिल सकता है कि आप उसके थोड़े से कुछ ऑप्शंस हैं कि आप फाइव डॉलर अ मंथ देते हैं और आपका कस्टमाइज ई मेल एड्रेस हो जाता है यानी कि आपकी कंपनी के नाम के साथ होता है ना कि जी मेल डॉट कॉम या याहू डॉट कॉम वगैरह हो सकता है आपको कोई थोड़े टाइम के लिए शॉर्ट टर्म असाइनमेंट के ऊपर आपको चाहिए कोई ग्राफिक डिज़ाइनर जो कि आपको लोगो और हेडर बना दे क्योंकि ब्लॉग्स के ऊपर सारे टेम्पलेट्स तो पहले से मौजूद हैं लेकिन उसका थोड़ा सा रिजल्ट होता है कि सारे ब्लॉग्स एक जैसे लग रहे होते हैं अच्छे लग रहे होते हैं लेकिन मिलते जुलते लग रहे होते हैं सो इफ़ यू वॉन्ट टू रियली स्टैंड आउट एवरी थिंग काउंट्स सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं और क्योंकि ये विजुअल मीडियम है लोग इसको देख पढ़ते भी हैं लेकिन उसके जो ओवरऑल विजुअल अपील है वो भी इम्पॉर्टेंट होती है तो हो सकता है कि आप सोचें कि चलो मैं ये सस्ते में किसी ग्राफिक डिज़ाइनर से ये थोड़ा सा अपना ये उसका लोगो और हेडर वगैरह को डिज़ाइन करवा के अच्छा सा बनवा लूँ सो दीज आर सम थिंग्स टू कंसिडर हम ये नहीं कह रहे कि आप ये करें या ये ना करें बट इसको जहन में रखें कि ये ऑप्शनस हैं और आपकी जितनी उसमें कमिटमेंट है और जितनी आप उसको सीरियसली लेके चलना चाहते हैं उस हिसाब से फिर आप इन ऑप्शन को कंसिडर कर सकते हैं फिर ये हो सकता है कि आपका अगर ब्लॉग बढ़ता जा रहा है व्यूअरशिप ज़्यादा है और आप जो है उसको उतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे या उसमें डेली या ट्वाइस अ वीक आप पोस्ट नहीं डाल रहे तो हो सकता है आप दूसरे राइटर्स को एम्प्लॉय करें शुरू में आप हो सकते हैं किसी और के लिए ब्लॉग के लिए लिख रहे हो और फिर आप ख़ुद जो है आ, अपने लिए किसी दूसरे राइटर्स को एम्प्लॉय करें और उनसे लिखवा लें या आप सोशल मीडिया मैनेजर को कर लें किसी को रिक्रूट कर लें जो कि अक्सर ये ऐसे लोग होते हैं जो आपको ऑफिस में साथ बिठाने की ज़रूरत नहीं होती आपने सिर्फ़ उनको ये एक गाइडलाइंस दे देती दी दे होती हैं कि आपने दिन की इतनी पोस्ट्स मेरे पेज पे होनी चाहिए फिर वो ब्लॉग को दोबारा सोशल मीडिया के ऊपर रीपोस्ट करते हैं आ, उसको डिफरेंट डिफरेंट उसके एक्सेप्ट ऊपर निकाल के कोई और उसकी हेडिंग डिफरेंट बना के उसको रीपोस्ट करते हैं उसका उनके पास कैजल होता है सो दे टेक केयर ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स बट ओनली इफ़ इट्स अ बिग इनफ ब्लॉग एंड इट्स अ सक्सेसफुल इनफ ब्लॉग ट्रेनिंग और एजुकेशन की आपकी क्या नीड्स हो सकती हैं क्या आपने किताबें ख़रीदनी हैं आपने अपना ब्लॉग किसी से ऑडिट का मतलब है बेसिकली रिव्यू कराएं आप किसी और को एक्सपर्ट को दिखाएं और उससे ओपिनियन लें कि इसमें क्या कमी है क्या बेहतरी हो सकती है हो सकता है आप किसी ऐसे नेटवर्क का हिस्सा हों और आपको कोई जो दोस्ती में या मेंटरशिप में कोई आपको ये करके दे दे या इन रिटर्न फॉर सम अदर फेवर के आप उनके लिए कोई और प्रोफेशनल फ़ेवर करें उनको कोई कंटेंट शायद बना के दे दें और वो आपको आपके ब्लॉग की खामियां और सजेशंस फॉर इम्प्रूविंग इट वो कर लें सो दीज़ आर आल्सो सम थिंग्स जो फ्री में भी हो सकती हैं लेकिन आप किसी प्रोफेशनल से ऑन पेमेंट भी करवा सकते हैं कॉन्फ्रेंसिस कोई आपने अटेंड करनी है या कोच या कोई मैंटर और जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी प्रोफेशनल नेटवर्क हो कोई भी आप प्रोफेशन का हिस्सा हो तो वो नेटवर्क आपको स्ट्रेंथ देता है उससे आपको आइडियाज़ मिलते हैं मोटिवेशन मिलती है सो इट्स इंपॉर्टेंट कि अगर कोई आपको पता लगे और ये भी आप ऑनलाइन गूगल करके देख सकते हैं कि कौन सी कॉन्फ्रेंस हो रही हैं कहाँ हो रही हैं हो सकता है आपके शहर में ही कोई हो रही हो और आपको इतने लाना हो तो आप उसका हिस्सा बन सकते हैं अच्छा सेटिंग अप योर ओन ब्लॉग ये वर्ड जो है उसके हमने पेज की कुछ स्क्रीन आपको दिखाई हैं शुरू में आप यहाँ पे अपने आपको जब आपने साइन इन कर लिया है अपने ई एड्रेस वगैरह के साथ तो फिर ये पेज आएगा एंड देन यू गेट स्टार्टेड और उसमें वो पूछेंगे आपसे कि आपने क्या क्या आप करना चाह रहे हैं क्या नाम रखना चाह रहे हैं उसका अच्छा पेमेंट की बात हो रही थी उसकी ये सारी ऑप्शंस हैं फ्री में आपको कौन कौन से ऑप्शंस मिलेंगे अगर आप उसको पर्सनल फ्री के बजाय पर्सनल बनाना चाह रहे हैं तो उसकी आपको थोड़ी सी पेमेंट करनी है अगर प्रीमियम करना है तो थोड़ी ज़्यादा है दैट्स फॉर अ बिगर बिजनेस और फिर बिज़नेस जो है वो उसमें पेमेंट भी ज़्यादा है और उसमें बेनिफिट्स भी ज़्यादा हैं आपको एड्स लेने की मार्केट करने की ऑप्शंस कितनी हैं और आप ईमेल अपना उसके साथ बना सकते हैं और उसका जो ख़ुद का वेब एड्रेस है वो आपका अपना हो सकता है सो ये सारे ऑप्शनस आप इस पर डिटेल में देख सकते हैं कि ये सारे वेरी करते हैं अगर मैं अपना ब्लॉग जो मैं अब जो आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते मेरा भी दिल चाह रहा है कि मैं भी अपना ब्लॉग बनाऊँ बजाय दूसरी पब्लिकेशन के लिए लिखने के तो मेरी भी मर्जी है लेकिन मैं सोचती हूँ कि मैं अगर बनाऊँ तो मैं पर्सनल वाला जो अकाउंट है उस पर करके बनाऊँ टू तो स्टार्ट ऑफ और देन सी कि उसको और बड़ा करना है कि नहीं करना सो दिस इज़ अबाउट द बजट और हर चीज़ में हर बिजनेस के लिए जो है बजट्स और पैसों की इंपॉर्टेंस होती है सो दिस इज़ इम्पोर्टेंट कि आप वो करें अच्छा फिर वो आपसे पूछेगा कि आपने क्या नाम रखना है अपने ब्लॉग का तो मैंने उसको नाम लिखा है रूटेड रोमांस तो उसने जो सजेशन दिया है उसमें आप देख सकते हैं उसमें बहुत सारे नंबर्स हैं अगर फ्री में लेंगे तो वो अपनी मर्ज़ी का इस तरह का बहुत से नंबर्स और वर्ड प्रेस भी आ रहा है इस तरह का होगा अगर हम उसको पर्सनल वाला या पेड वाला करेंगे तो फिर उसमें एक नीट सा और क्रिस्प सा जो कि लोग आसानी से याद भी रख सकते हैं रूटेड रोमेंस डॉट ब्लॉग करके वो मुझे एड्रेस मिल सकता है तो ये इस किस्म की चीज़ें आपको फिर वो ऑप्शन साथ साथ देता रहता है तो ये पहले से ही जानना इंपॉर्टेंट है कि कहा तो जाता है कि हाँ ये फ्री है फ्री है लेकिन फिर छोड़े मोड़े उसकी एडवांसड उसके फीचर्स के लिए हमें कुछ ना कुछ पेमेंट करनी पड़ती है सो बेटर टू फीचर एंड बजट फॉर दैट फ्रॉम बिफोर और फिर ये आप ये इसका देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड पे जो बार है उसमें आप कौन सी चीज़ें ऐड कर सकते हैं उसको आप थीम्स uh, कौन सी ऐड हो सकती हैं पिक्चर्स कैसे ऐड हो सकती हैं ये सारे ऑप्शन है इट्स वेरी ईजी और कोई बहुत आपको आई एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है आप उसको एक्सप्लोर करें क्लिक करें थीम्स भी उसकी हैं डिफरेंट पिक्चर्स uh, डालनी है जो ब्लॉग एंट्री है मेन अपना इंट्रोडक्शन ऑल दो सेटिंग्स यू कैन डू ईज़िली और दूसरी जब आप ये करने लगे और आप सोचें कि ओ मुझे तो इतनी सारी चीज़ों की समझ नहीं है या सर्च इंजन ऑप्टोमाइजेशन की क्या मुझे समझ नहीं है यू कैन ऑलवेज़ गेट हेल्प जैसे पहले भी कहा ने कि नेटवर्क्स का आपको हिस्सा होना चाहिए आपके दोस्तों या आपके पर्सनल सोशल नेटवर्क में कोई लोग गेट हेल्प ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें आप खुद करें uh, एक हमारी हैं रब्य मुगीस उनका एक ब्लॉग है और उनसे जब हमने डिस्कशन की तो उन्होंने ये कहा कि मुझे ज़्यादा समझ नहीं है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वगैरह की लेकिन उनकी अच्छी खासी कोई फोटी फिफ्टी थाउजेंड उनकी फॉलोइंग है और वो उन्होंने ऑर्गेनिकली उन्होंने बना ली है क्योंकि उनकी राइटिंग कॉन्टेंट बहुत अच्छा है सो so डोंट ये हम इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं ताकि आप ज़्यादा उसको बेहतर कर सकें लेकिन इसमें से कुछ चीज़ों में अगर आप वीक भी हैं और दूसरे एरिया स्ट्रांग हैं तो भी आप अपना ब्लॉग स्टार्ट करके एंड यू कैन टेक इट फ्रॉम फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आती जाएगी तो आप उसको और बेहतर से बेहतर बना सकते हैं